waiting for that. थ्री बनाने का मकसद हमारा क्या था, यानी मुझे यहाँ पर माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं, और जब मैं यहाँ आया था क्योंकि जब आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, तो मेरी उस वक्त से हमारे मेरे जहन में ये था कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, स्पेशली अब तो हम जाके वो बिल्कुल वो फील करते हैं कि वी वर सो बिजी इन अवर थिंग्स, कि हम लोग इतने बिजी थे अपने चीज़ों में, बिजनेसेस में, जॉब्स में, कि वी वर नॉट एबल टू ट्रांसफर अवर कल्चरल स्टाइल टू अवर न्यू जनरेशन। तो ये कैफ़े बनाने का मकसद ये था कि हम कम से कम अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ उस स्टाइल में दिखा सकें, इमेजिनरी वे में, कि कैसे हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सर्व होती थी या बनाते थे। तो ये मकसद था थ्री को बनाने का। और जहाँ तक बात है थ्री नाम की, तो हम लोग जब इसकी ब्रांडिंग करने का सोच रहे थे, तो हमारे जहन में ये था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो बिल्कुल जिसमें क्यूरियोसिटी भी हो, जो रिलेट भी ना कर रही हो कॉन्सेप्ट के साथ, और जब वो इंशाल्लाह अल्लाह उसको उसमें बरकत दे, तो ऐसा हो कि लोग उसको भूले ना। तो जब हम बना रहे थे, तो हमारी बेटी ने हमें सजेस्ट किया कि बाबा जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो जब इससे आपको बजवा स्टार्ट करता है, आप उसको कहते हैं कि 1 2 3 सुनाओ, तो शी थॉट कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 3 नॉट 1। तो फिर हमारे जानना था कि यार ये कैसा नंबर है 3, और तस्बीहात भी 3 हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें वो करती। तो हमने फिर वो सोच के हमने रखा 3 को, के 3 नाम रखने का मकसद ये था। मेन कॉन्सेप्ट वो ये है इंशाल्लाह। गुड, क्या हिस्ट्री क्या है आपके इस रेस्टोरेंट की? ये रेस्टोरेंट बनाने के लिए एक्चुअली हमने ये स्टार्ट किया था 2014 में, एक कॉन्सेप्ट है जो हम प्रैक्टिकली सोच रहे थे। तो जब ये जहाँ डेवलपमेंट हुई, तो हमारे जन्म था कि यार क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं अभी, यहाँ पर माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी काफ़ी डोमिनेट करती है, कि यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी साउथ एशियन लोग हैं। तो उस वक्त जब हमने ये बनाने का प्लान बनाया था, तो हमने फिर ये जगह यहाँ पर बनाई है माशाल्लाह। और बन कबाब, स्पेशली जो बीफ का बन कबाब, दाल, आलू, चिकन, ये वैरायटीज हमने रखी हुई है, बहुत लोगों को पसंद आता है। रोल्स भी बहुत हमारे बहुत अच्छे हैं, फ्रेश पूरी पराठा हमारा बनता है, उसमें हम लोग
मलाई बोटी है, तंदूरी चिकन है और बीफ बिहारी है, बहुत मज़े की होती है। हमारे मटका चाय वेरी पॉपुलर है, बहुत मज़े की होती है, उसमें सुंदर सुंदर चाय का भी टेस्ट आता है और सुंदर सुंदर मटका की भी आती है। और हमारे और क्या हमने शुरू किया है, हमने फॉर्मुलेट किया है टी को, हमने कुछ किया है लाथेज बनाया ताकि न्यू जनरेशन को भी इंट्रोड्यूस कर सके हमारी कल्चरल टीज, कल्चर टेस्ट। उसके बाद हमने कुछ अपने जो है गाजर का हलवा है, वो भी हम ट्रेडिशनल जो हमारी लाल गाजर होती है उसका बना रहे हैं। अच्छा, ये अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि आपकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो डेलिकेसी है, वो मेनली पाकिस्तानी कम्युनिटी में ज़्यादा पॉपुलर होंगी या ये और कम्युनिटीज़ में भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी? जी बिल्कुल, अट्रैक्ट कर रही हैं माशाल्लाह, खासकर हमारी टीम जो है, जो लोकल ऑडियंस जो है माशाल्लाह यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी, साउथ एशियन स्पेशली इंडियंस आ रहे हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पॉन्स है। अरब्स कम्युनिटी के लोग ट्राई कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह पीछे भी अरबी बैठने में लोग माशाल्लाह जो ट्राई कर रहे हैं। हमारे तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इस स्टाइल में बनाया जाए कि दूसरी कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट करें, क्योंकि हमने इसको मतलब कल्चरल नाम नहीं रखा, इसलिए रीज़न यही था थ्री रखने का कि एक ऐसा जेनेरिक नेम हो जो हर किसी को अट्रैक्ट करे, क्यूरियोसिटी हो, जब ये चीज़ लोगों को इंट्रोड्यूस जाएंगे पाकिस्तानी कैफे, तो ये मकसद था थ्री को बनाने का। Very good. So what's the experience you guys have? The roll was really good. Oh, really? The roll, okay. Yes. Uh-huh. All right. How about you? I enjoyed the masala fries. I enjoyed the chaat papri, the roll. And there was bun kebab. You too? Bun kebab and other stuff? Everything was good. Like, I love everything. Like the chaat papri, masala fries, everything was good. Can I take a quick picture of closer look of the stuff you guys are eating? All that. Okay, that's pretty nice. I really thank you guys. What you guys are eating here? We have karak chai, lychee chai, and some gol-gappe, spring roll, and the dahibalas are very delicious, and the masala fries. आपको अच्छे लग रहे हैं ये dishes? बहुत अच्छे हैं everything, yeah. It's my third time I'm here. चाय बड़ी पॉपुलर हो रही है, मैं और जगहों से भी सुन रहा हूँ. Everything is here is so delicious. Good. Chai specially, yeah. Chai is specialty. Good. The presentation is very nice. Very nice. Can I take a closer picture of the tea itself? Oh yeah. And the fries too. Okay. That's great. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. What are you drinking, gentlemen? I'm drinking the Kashmiri chai. Can I have a look? Absolutely. Oh yeah. Okay. It's pretty well presented. Nice. Okay. How about you, gentlemen? I've got the karak chai. Very good. You like it? I like it. This is my first time having karak chai. Oh, very good. Yep. Did you ever drink regular tea or karak chai before? Not karak chai, but usually I get Kashmiri chai. Oh, you have? Yeah. Tried Kashmiri chai. Yeah. Good. Yep. And you like it? Yeah, it's very good. Good. And yep. How about you? You like it? Love it. Very good. Definitely very good. Come back again. Good. Thank you. The food is amazing, and I think if someone wants the street food and want to get the taste of back home, so this is the best place to come. And I've tried so many things from here. It's amazing. They're doing really great job, and I recommend other people to come here and try the food. Thank you. बड़ा impressive नजर आ रहे हैं. आप जरा इसको detail out करेंगे? मैं आपको बताती हूँ. देखिए, हमारा शुरू करते हैं जैसे देसी थैला से. देसी थैले में हमारे पास चाट पापड़ी है, ट्रेडिशनल दही बल्ले चाट है, गोलगप्पे है, फिश पकौड़ा, फिश फिले विद फ्राइज. हमारी फिश फिले विद फ्राइज बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए, स्पेशली मसाला फ्राइज के साथ बहुत ही चटकारा सी होती है. यहाँ पे आगे आप जाएंगे तो हमारे बन कबाब है. हमारे बन कबाब है ए बी सी डी. उसका मतलब ये है आलू, बीफ, चिकन एंड दाल बन कबाब. इसके बहुत मज़े के होता है. पाकिस्तानी कराची स्टाइल बन कबाब है. इसके साथ ऑमलेट है, चटनी है एंड
Everybody loves it. And our most popular would be हमारे beef bun kebab. उसके बाद मैं बताती हूँ आपको हमारे rolls का. हमारे fresh puri paratha rolls हैं. उसमें तंदूरी चिकन है, चिकन मलाई बोटी है, बीफ बिहारी रोल है. सबसे पॉपुलर बीफ बिहारी रोल है, बट तंदूरी चिकन और मलाई बोटी आर नॉट फार बिहाइंड. सब उनको भी बहुत पसंद करते हैं. एंड हमारे सारे जो हमारे जो बन कबाब हैं और रोल्स हैं, दे कम विद अ कॉम्बो. सो एक मसाला फ्राइज के साथ कॉम्बो है, रेगुलर फ्राइज के साथ कॉम्बो है, एंड बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है. आगे हम लोग बताते हैं, लेट्स गो मोहित, हमारे जो मैनेजर हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे मटका मैडनेस क्या है. मटका मैडनेस प्रॉपर क्ले पॉट में हम चाय देते हैं, तंदूरी चाय. बेसिकली हमने स्टेप उठाया तंदूरी चाय, माइलो लाटे बच्चों के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए ला रहे हैं. माइलो लाटे, हॉट चॉकलेट है, कश्मीरी चाय, कड़क चाय, मसाला इलायची, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल टाइप से चल रही हैं. दैट हॉट चॉकलेट मिल्क बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आप आते हैं, ट्रैवल करते हैं. हॉट चॉकलेट, नेस्कैफे, ओवल्टाइन, नट्स मिल्क. नट्स मिल्क लाटे हमारा स्पेशल है, इसमें 13 टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड नट्स हैं. इट्स समथिंग हेल्दियर एंड समथिंग डिफरेंट जो यहाँ नहीं मिलता बेसिकली. इसके बाद हमारा चिकन कॉर्न सूप है, ये सर्दियों के लिए बहुत फेमस हो रहा है. धीरे धीरे लोग आते हैं स्पेशली सूप पीने. सड़क स्टाइल प्रॉपर सूप होता है, गले में लगने वाला, जैसे प्रॉपर टेस्ट इज टू गुड. पुडीन, पुडीन क्लासिक पुडीन, तंदूरी चिकन पुडीन, मलाई बोटी, मसाला फ्राइज. इसमें सबसे पॉपुलर हमारा मसाला बोटी, मलाई बोटी, मसाला फ्राइज पुडीन है. इसके साथ मसाला फ्राइज आते हैं, चीज़ ऊपर, ग्रेवी एंड ऊपर मीट आता है, मलाई बोटी, अनियंस एंड आफ्टर दैट धनिया. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स ये भी काफ़ी चलता है. इसके बाद आप लोग काफ़ी आते हैं जो सिर्फ स्नैक्स के लिए आते हैं, वो दो कप चाय लेते हैं. इसके बाद समोसे आ गए, चिकन समोसे, बीफ समोसे, वैरायटी स्प्रिंग रोल, चिकन पूरी. मसाला फ्राइज हमारे बहुत पॉपुलर है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का मसाला आता है जहाँ नहीं मिलता बेसिकली. बॉक्स ऑफ फ्राइज बाकी उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे. एक चीज़ तो भूल गया, मेरी जो ये सारे मॉकटेस हैं, मेरी जो बेटी हैं, हम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के मॉकटेस डेवलप किए हैं. मैंगो बेरी मॉकटेस हो गया, मैजिक मिंट मही जो. इसके अलावा हमारा कुल्फी फालूदा बहुत पॉपुलर, जिसमें हम पूरी ट्रेडिशनल वे रबड़ी फालूदा बनाते हैं, उसमें कंप्लीट इंटायर कुल्फी डालते हैं उसमें. इसके अलावा हमारा लिमका सोडा ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है, वही ट्रेडिशनल आपको याद आ जाएगा, नॉर्थ स्टाइल लिमका सोडा. और लस्सी तो जब आएंगे इंशाल्लाह आप खुद ही कहेंगे कि हम मदानी में बनाते हैं ट्रेडिशनल वे, सर्व भी स्टील के ग्लास में करते हैं और योगर्ट भी यहीं जमाते हैं. हम कोई डब्बे की योगर्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग यहीं जमाते हैं. और जब भी इंशाल्लाह आप लोग आएँ, मटका खीर और गाजर का हलवा अगर अवेलेबल हो इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएँ, रेगुलरली डेली सोल्ड आउट होता है. ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गाजर का हलवा गर्म क्ले पॉट में हम सर्व करते हैं और मटका खीर फ्रोज़न क्ले पॉट में करते हैं. ये भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल को हमने इन्हेंस किया है, फ्रोज़न मिट्टी का क्ले पॉट करते हैं हम, उसमें फिर खीर डाल के देते हैं, तो आपका आपको जो उसका लुत्फ आएगा. और जैसे नट्स मिल्क में हमने 13 नट्स और ड्राई फ्रूट डाले हैं, खीर और गाजर के हलवे में भी हमने बिल्कुल वही किया है, उसमें भी भरमार की है हमने नट्स और ड्राई फ्रूट की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बाकी इंशाल्लाह बाकी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. ये बताएं कि अगर किसी का गला ख़राब हो और नज़ला भी हो तो ये सूप आपका काम कर जाएगा 100%. अभी आपको बनवाते ही हम जो सूप यहाँ बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, ठेला स्टाइल है, गारंटेड. ये नहीं है कि जो बना के हमने रखा और आप आएंगे और सर्व करेंगे, इसको 7 से 8 मिनट लगेगा ऑर्डर देने का बनने में. सिर्फ यखनी बनी हुई होती है, उसके बाद हम इसको चिकन और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश जो है स्वीट स्टाइल बनाते हैं. आके ट्राई कीजिए, जब भी हमने सिर्फ अभी एक ही सूप रखा है. अब अगली मरतबा मेरा गला खराब होगा जो भी है, जी बिल्कुल, तो मैं आपसे सूप पीऊंगा. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया. हमारा एक और भी बहुत बहुत ही फेमस हमारी डिजर्ट है, हम लोग के खुद डेवलप्ड है, गोला गंडा. तो ट्रेडिशनल स्टाइल जो पाकिस्तान का गोला गंडा है ना, हम लोग उसको ग्लास में लेकर आए एंड उसमें हम लोग ने रेनबो कलर्स और कंडेंस मिल्क ऑन टॉप. इट इज द बेस्ट सेलर बिकॉज इट्स टेस्ट इज सो गुड. लोग अभी विंटर में आते हैं यही लेते हैं समटाइम्स, हमें सब गोला ही खाना है. तो आप आएंगे, बार बार आएंगे उसको खाने के लिए. बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
काफ़ी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो इनकी कुछ हिस्ट्री बताएंगे आप? जी एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, तो हमारा मेन मकसद क्या था कि पाकिस्तान के कल्चर के अलावा पाकिस्तान को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पास हर किस्म के ऑडियंस माशाल्लाह अरब भी आते हैं और लोकल लोग भी हैं, तो इसका बनाने का मकसद ये था। एक तो जो मेमोरीज थी हमारे टाइम की, खासतौर पर जब हम ग्रो अप हो रहे थे, तो ये जो जो हम पढ़ा करते थे, जो हम देखा करते थे टीवी पे, तो और पाकिस्तान की तारीख से रिलेटेड पास की चीज़ें, और हमारे कायद काजम का और हमारे जो मोहसिन है डॉक्टर अब्दुल कदीर, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी भी प्रेजेंटेशन हो कि जो रिलेट करे कॉन्सेप्ट के साथ कि थीम हमारा जो है बेसिकली से पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड कैफे, लेकिन उसको मॉडर्न स्टाइल में जब पेश करें, तो हमारा मकसद ये था कि यार ये चीज़ें इसमें एड ऑन की जाए कि हमारे मेमरीज हों, कि हमारे 5 रुपये का नोट होता था, सिक्के कैसे होते थे, और हमारी ख्वातीन ये डाइजेस्ट पढ़ा करती थी, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नावल्स और ये अपने टाइम में पढ़ते थे। तो इसका मकसद ये था कि मेमोरीज वी कॉल नो इसको बनाने के सेक्शन को। काफ़ी कलेक्शन नज़र आ रहा है, बड़ी हर किस्म की आप देखेंगे, दीवाने गालिब भी है इधर, और लग पे आती दुआ कौन किसकी याद नहीं है, बड़ी मेहनत हुई हुई है। जी हाँ, मिस्टर साहब भी हैं, आंगन टेढ़ा, जी हाँ, वो प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये जी हमारा रुपया था, शायद हमें सबको याद हो, पुरानी यादें ताज़ा करने के काम बड़ा अच्छा है, ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन काफी अच्छी हुआ, डिफरेंट टचेस हैं इसमें जो आपको रिकॉल होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो मकसद ये था। नाइस, थैंक यू।